Thinking about the way that you know me No one ever cared like you care for me You're such a bright star in the dark space you got me like साफ रहता है ना तो सुंदर भी लगता है और ये एक ऐसा काम है जो कि एक दिन में नहीं हो सकता ये धीरे धीरे हमें लगातार करना पड़ता है आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कुछ टिप्स जिससे आप घर में कुछ डीआईवाई क्लीनर बनाकर उससे घर को साफ कर सकते हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिन पे डीआईवाई काम नहीं करते हैं तो मार्केट के भी कुछ क्लीनर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं तो वो सब चीजें मिला के आज का वीडियो मैंने बनाया है तो बढ़ते हैं उन्हीं सारी टिप्स की तरफ जो जरूर आपके काम आएंगी और हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैसेजेस हैं जो भी आप मुझे भेजते हो उन सबका रिप्लाई करूंगी तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ कॉकरोचेस की जो समस्या है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर आप इन डी का 10-15 दिन में यूज़ करते रहेंगे बहुत ही आसान इनको बनाना है सारा सामान घर पर ही मिल जाएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए बेकिंग सोडा जो कि है थ्री टेबल स्पून और इसमें मिलाइए या तो मैदा या आटा वो भी इक्वल अमाउंट में यानी कि थ्री टेबल स्पून और एक चम्मच मिला लीजिए चीनी जिससे कि इसको कॉकरोचेस खाएं और मिलाने के बाद आप इसको जो है ना किसी भी छोटी शीशी में लीजिए और इसे उन जगह पे छिड़किए जहां हों और 10-15 दिन बाद इसी प्रोसेस को रिपीट करिए अच्छा और शुग और शुगर यानि आटा और शुगर सेम अमाउंट में चाहिए मिला लीजिए और करीब जितनी आपने चीनी ली है उसका आधा बोरिक पाउडर आप मिक्स कर लीजिए पानी मिला लीजिए और इसकी गोलियां बनाइए गोली लीजिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए थोड़ा सा अलग ताकि वो चिपकाने के काम में आए बोरिक पाउडर आपको किसी भी दवाई की शॉप पे बहुत आसानी से 20-25 रुपए में मिल जाता है और इसको भी सेम उसी तरीके से जहां कॉकरोचेस आते हैं वहां लगाते रहिए और अब मैं आपको बताती हूं तीसरी चीज ये एक बहुत ही अच्छा इंजेक्शन आता है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये हिट आता है और इसका भी जैसे आप इस इंजेक्शन को प्रेस करते हैं ना तो छोटा सा अमाउंट इसमें निकलता है बहुत है, बहुत इफेक्टिव है है बढ़िया और इसे यूज करना भी आसान है इसे भी जगह जगह आप लगा दीजिए जैसे इसको मैं क्रॉकरी वाले यूनिट पे यूज करती हूँ तो देखिए ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई इनको लगाइए और दस पंद्रह दिन बाद फिर उन्हीं जगह पर रिपीट करिए अगर आप इसका इसको जो है दो तीन बार भी ऐसा करते हैं तो कभी भी कॉकरोचेस नहीं होंगे और कुछ कुछ दिनों बाद इसको रिपीट करते रहिए मतलब कुछ महीनों बाद एक यह है है लक्ष्मण रेखा जो कि कितने सालों से से यूज कर रही हूं, ये एक चौक की तरह स्टिक आती है, इसको ज्यादातर मैं क्या करती हूं, बाथरूम के फर्श पे रात को जो है लगा के छोड़ देती हूँ और सुबह मुझे बहुत ढेर सारे कॉकरोचेस मरे हुए मिलते हैं क्योंकि वहां बहुत कॉकरोचेस हैं तो इस स्टिक का भी आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव है और और एक और भी बहुत अच्छी चीज है वो है रेड हिट कोई प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है इसको कॉर्नर्स पे आप जो है स्प्रे कर दीजिए इससे आपकी जो छिपकलियां हैं और चूहे हैं वो भी भाग जाते हैं और बहुत कॉकरोचेस मरते हैं देखिए ये मैं बाहर से डस्टपैन उठा के लाई हूँ और ये मैं एक बार कॉकरोचेस फेंक चुकी हूँ कम से कम सौ डेढ़ सौ ये मरे हैं नेक्स्ट डे ही मर जाते हैं और इस तरह से चाहे लक्ष्मण रेखा हो चाहे ये सारी चीज हो इनको यूज करिए और कॉकरोचेस को बिल्कुल हमेशा के लिए भगा दीजिए जूते बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं और हम इसको डिटर्जेंट से घंटों रगड़ के साफ करते हैं बहुत ही आसान तरीका है इनको क्लीन करने का मिनटों में ही क्लीन हो जाएंगे और पूरे आपको धोने भी नहीं पड़ेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए डिश सोप और बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें जो बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए वो टू टेबल स्पून चाहिए और डिश सोप हमने लिया है एक टेबल स्पून इससे बहुत ही मतलब बहुत ही जल्दी दाग चले जाते हैं तो देखिए मैंने इसमें हाइड्रोजन पोरक्साइड मिला ली है दो टेबल स्पून जो ये हाइड्रोजन पोरक्साइड होती है ये ये आपको किसी भी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी बहुत इफेक्टिव होती है ये भी। और इसके साथ वही जो खाने वाला सोडा है वो मैंने मिला लिया इन तीनों चीजों का पेस्ट तैयार कर लीजिए और बिल्कुल आसानी से ये घुल जाती है तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं आपस में और इससे आपके जो जूते हैं ना बच्चों के जूते जो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं वो क्लीन हो जाएंगे जहां पे भी दाग लगा हो वहां पे इसको ब्रश की मदद से हल्का सा रगड़िए दाग बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी कुछ इस तरीके का स्पॉट था और सबसे अच्छी चीज है कि पूरा शू जो है वो आपको धोने की जरूरत नहीं है देखिए कितनी आसानी से इसके दाग निकल जाते हैं और जो महंगे जूते होते हैं उनपे जब हम बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ते हैं हार्श केमिकल यानी डिटर्जेंट रगड़ते हैं तो वो वैसे भी खराब हो जाते हैं इसके अलावा देखिए मैं आपको एक ज और बताऊं एक बहुत ही अच्छा मतलब एक शैंपू आता है जूतों को साफ करने के लिए किसी भी शू जो शॉप होती है वहां पे मिल जाएगा इससे भी आप यूज कर सकते हैं देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है और इसे थोड़ा सा रगड़ा लेकिन उतना जल्दी इसने काम नहीं किया और इसे देखिए मैंने दो बार तीन बार मैंने इसमें लगाया और रगड़ा लेकिन इसका ये जो दाग है ना ग्रीस का ये नहीं गया है ये एक्टिवा में जो ग्रीस लगी रहती है उसका दाग है और ये एज इट इज है अब मैं जो मैंने डी बनाया है उसको इसके ऊपर लगाऊ और देखिएगा ये बिल्कुल आसानी से साफ हो जाएगा तो मैंने डीआईवाई लिया यही थोड़ा सा और इस दाग के ऊपर लगाया और लगाते ही साथ देखिए ये कितनी आसानी से साफ हो गया घर में होते हैं लेदर के पर्स होते हैं शूज होते हैं बहुत सारा आइटम होता है उसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका है तीन तरीके मैं आपको इसके बताऊंगी सबसे पहले हम जो है इन तीनों तरीकों को एक एक करके यूज करते हैं और उसके लिए पहला तरीका जो है वो है डिश सोप का यानी बर्तन धोने का साबुन थोड़ा सा गर्म पानी लिया उसमें ये बर्तन धोने का साबुन लिक्विड मैंने मिलाया एक कॉटन के कपड़े या कॉटन की मदद से ही जो भी लेदर का आपका सामान है जैसे मैंने ये पर्स लिया है इस पर्स के ऊपर मैंने रगड़ा का मतलब बहुत ज्यादा पानी मत लगाइएगा इसमें बस हल्का सा हमें पानी लेना है और फिर हमें गीली से से तौलिया से इसको पोंछ देना है काफी हद तक जो है ये क्लीन हो जाएगा लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे दूसरी एक चीज की तरफ जो नहीं है एक्चुअली ये पॉलिश आती है लेदर पॉलिश आती है ये भी काफी इफेक्टिव होती है ये जहां पे जूते वगैरह मिलते हैं ना शू की जो शॉप होती है शूज की वहां पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा अमाउंट कॉटन पे कॉटन के कपड़े पे लीजिए और इसको रगड़िए तो जो भी आपका लेदर का यानी कि चमड़े का सामान होता है उस पे ये ये बहुत 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 अच्छा वर्क करती है है पॉलिश और बहुत सस्ती आती है, बहुत महंगी भी नहीं आती है और ये बहुत जल्दी मतलब काम हो जाता है इससे और काफी जो गंदगी होती है जो जिद्दी गंदगी होती है वो इससे निकल जाती है लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज और वो है नेल पॉलिश रिमूवर नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए कॉटन पे और उससे लेदर के सामान को रगड़िए इतनी गंदगी निकलेगी कि आप देख नहीं मतलब सोच नहीं सकते देखिए इसे मैंने पॉलिश से साफ किया और अब देखिए कितनी गंदगी इसमें से निकली है घर में जो वॉशिंग मशीन होती है अगर वो सही से आप उसकी केयर करें तो वो सालों साल चलती है और हमारे कपड़ों को धोने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है चाहे फुली ऑटोमेटिक हो चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो उसमें कभी भी कपड़े आप पड़े मत रहने दीजिए जैसे ही कपड़े वॉश हो जाए उसे एकदम से उसमें से निकालिए नहीं तो एक बहुत ही गंदी स्मेल जो है मशीन में बनी रहती है और वो धीरे धीरे बहुत पक्की हो जाती है मशीन को बाहर से साफ करने के लिए सिंपल विनेगर का यूज़ करिए पानी के जो हो जाते हैं जो रस्ट थोड़ी थोड़ी सी जमने लगती है वो सब क्लीन हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे आप देखेंगे कि मशीन आपकी बाहर की है। उसके लिए आता है इस तरीके का एक डी स्केल पाउडर कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये आ, मतलब मैं इसे यूज करती हूँ चाहे आप इसे ऑनलाइन ले लीजिए चाहे आप इसे आई के स्टोर पे जाके ले लीजिए मशीन को कर लीजिए बिल्कुल खाली और जितना बड़ा ये पैकेट है ये पूरा पैकेट आपको मशीन में डालना है और जो आपकी मशीन का लॉन्गेस्ट साइकिल है उस पर चलाना है जितनी भी गंदगी मशीन के अंदर पाइप्स में होती है वो सारी गंदगी निकल जाती है और बड़ी गंदी सी ना स्मेल भी आती है क्योंकि काफी चीजें जमी रहती हैं इसके बाद मशीन में जो पाइप्स होते हैं उन्हें हमेशा चेक करिए चूहे काट देते हैं कभी जंग से कट जाते हैं और इससे मशीन बहुत ज्यादा खराब होती है आप इसमें चेक करिए कि मिट्टी तो नहीं है और मशीन को दीवार से दूर रखिए और हमेशा देखिए कि मशीन बिल्कुल बैलेंस है कि नहीं है इसके अलावा मशीन में यूज करिए हमेशा एक प्रॉपर अमाउंट का डिटर्जेंट और यूज करिए लिक्विड डिटर्जेंट हार्ड डिटर्जेंट जो होता है ना उसे मैं सलाह नहीं दूंगी यूज करने के लिए क्योंकि वो इसमें जम जाता है और वो जब आप सर्विसिंग कराते हैं ना तब आपको दिखाई देता है करने के बहुत सारे तरीके हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि सोफे बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं सोफा जो है ना कवर करने के आप सोफे को क्लीन कर सकते हैं दो तरीकों से इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरा बना रखा है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी सबसे पहले सोफे को क्लीन करिए एक लीटर पानी लीजिए और उसमें डालिए डेजलो का कार्पेट क्लीनर आ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बहुत ये कंसेंट्रेटेड होता है डायरेक्टली यूज मत करिएगा एक लीटर पानी में पांच ड्रॉप डालने के बाद जो स्पंज वाला जो जूना होता है उससे धीरे धीरे हाथों से इसको साफ करिए और जहां पर ज्यादा दाग हो वहां पर थोड़ा सा इसको रगड़ दीजिए और उसके बाद लीजिए एक तौलिया जिसे गीला करने के बाद आप इस सारी मतलब गीला करने के बाद जो इसमें लगाया है ना डेजलो उसे साफ कर लीजिए देखिए बिल्कुल साफ ये हो जाता है और आपको चेंज खुद ही पता चल जाएगा उस के बाद पंखा चला दीजिए और ये अपने आप सूख जाता है और बिल्कुल इसी तरीके से आप जो आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर्स है ना उनको भी क्लीन कर सकते हैं डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी और अब बढ़ते हैं अपने तरीके से साफ करने के के मेथड ऊपर लीजिए कोई भी सॉफ्ट डिटर्जेंट जैसे इजी हुआ शैंपू हुआ और इसमें मिला लीजिए थोड़ा सा विनेगर मतलब जितना शैंपू ले उतना ही, उतना ही आप विनेगर ले लीजिए और इससे क्लीन करिए सोफा को ऐसे क्लीन हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब कि मतलब इसमें इतनी गंदगी थी भी पहले से मतलब इतनी छुपी हुई गंदगी निकल कर आती है सेम मेथड से साफ करिए जैसा कि मैंने आपको बताया था और सोफा बिल्कुल चमचमा जाएगा दरिया और कारपेट को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है पूरा एक वीडियो इसके ऊपर है आप सबसे पहले ब्रश से अच्छी तरह से धूल निकाल लीजिए और उसके बाद सेम जो डेजलो हमने अभी सोफे को क्लीन करने के लिए लिया था उसको यूज करिए आप एक डब्बा पानी में एक मग पानी में कम से कम टेन ड्रॉप इसकी डालिए और उसके बाद इसको ब्रश की मदद से कारपेट पे डाल के अच्छी तरह से रगड़िए दस पंद्रह मिनट इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है इसे पानी से क्लीन कर दीजिए इतनी गंदगी निकलेगी कि जितनी आप सोच नहीं सकते हैं वैसे तो डिटर्जेंट से भी क्लीन हो जाती हैं ये सारी चीजें, लेकिन उससे इनके कलर खराब हो जाते हैं देखिए कितनी गंदगी जब आप कारपेट क्लीन करेंगे इससे तब निकलती है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप इन सारी चीजों को भी यूज कर सकते हैं my, my, my. Like... अब बढ़ते हैं बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने के एक बहुत ही आसान डीआईवाई पर के लिए चाहिए हमें वाइट विनेगर सिरका खाने वाला सिरका और चाहिए डिटर्जेंट जिससे कि हम कपड़े वगैरह धोते हैं वो और लिक्विड हो तो और और भी अच्छा है और इसके साथ चाहिए खाने वाला सोडा जो कि हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा ये इन तीनों को हमें मिक्स करना है तो एक कप पानी लेंगे और तीन से चार चम्मच इसमें डाल दीजिए खाने वाला सोडा के और इसमें ही डालेंगे हम विनेगर विनेगर डालेंगे करीब आधा कप और इसमें ऐड कर दीजिए दो से तीन चम्मच डिटर्जेंट और शेक करके इसे तैयार हो गया अब ये क्लीन करने के लिए टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी से क्लीन होती हैं डेली लेवल पे बाथरूम क्लीनिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं वो सब आप डीप क्लीनिंग के लिए चेक कर सकते हैं अब देखो अभी मेरी सफाई तो चल रही है आपने वीडियो देख लिया है तो उन टिप्स को भी आप फॉलो करिए और बताइएगा बाद में जब आप उन्हें यूज कर लें कि वो आपके कितने काम आई तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय और हाँ अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करिए